नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रोमन नंबर को समझते हैं। दोस्तों, रोमन नंबर को समझने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, रोमन नंबर को बेसिकली 7 सिंबल से डिनोट किया जाता है। वो सिंबल्स क्या है दोस्तों? देखिए, आई से 1 को डिनोट किया जाता है, बी से 5 को डिनोट किया जाता है, एक से 10 को डिनोट किया जाता है, एल से 50 को डिनोट किया जाता है, सी से 100 को डिनोट किया जाता है, डी से 500 को डिनोट किया जाता है, एम से 1000 को डिनोट किया जाता है। अब दोस्तों देखिए, इसमें खास बात क्या है कि एक सिंबल को आप कंटिन्यूअसली 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, इसको आप नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि रोमन नंबर की संख्या जो है वो 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। ओके देखिए, एग्जांपल के तौर पे 3 अगर लिखना है रोमन नंबर्स में तो 3 आई देंगे। ओके अब देखिए, 4 लिखना होगा तो 1 आई तो नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, इसके आगे वाला नंबर को देखेंगे क्या है, 5 है। तो दोस्तों 5 का क्या होगा, भी। और देखिए, 5 से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो इससे पहले आई दे देंगे। ओके तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। क्लियर दोस्तों? अब देखिए, 6 अगर लिखना हो तो क्या करना होगा, बी और आई। ओके अगर ज़्यादा लिखना है तो राइट साइड में लिखाएगा और कम करना है तो लेफ्ट साइड में होगा। ओके तो चलिए एग्जांपल की मदद से और भी अच्छे तरीके से इसको समझने का कोशिश करते हैं। दोस्तों एल एक्स बी आई आई। अब दोस्तों देखिए, एल का क्या होता है, 50, एक्स का 10, इसको देखिए 8 करते जाना है, बी का क्या होगा दोस्तों 5, आई है, आई का वैल्यू क्या है 1 और आई का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए, इसको 8 कर देंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 60, 65, 66, 67। क्लियर? अब देखिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल इसमें देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे ओके कि न्यूमेरल्स वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करना है। ये देखिए, सी डी एक्स एल बी आई आई आई। अब देखिए, सी का मतलब क्या होता है दोस्तों, सी का मतलब 100 होता है। क्लियर? डी का मतलब क्या होता है, 500। क्लियर? 500। ओके अब दोस्तों इसमें देखिए क्या करना है, इसमें माइनस करना है। क्यों? बिकॉज देखिए, यहाँ पर बड़ा वाला टर्म नहीं आ रहा है। ओके इसके बाद बड़ा वाला टर्म आ रहा है तो इसको क्या करना होगा, जैसे कि अगर 4 लिखना हो तो 4 के लिए क्या करना पड़ता था दोस्तों, 4 के लिए क्या करना पड़ता था, देखिए आई बी, तो आई बी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस 1। ओके तो इसी तरह से यहाँ देखिए, छोटा वाला टर्म है उसके बाद बड़ा वाला टर्म है, तो इसी तरह से दोस्तों क्या यहाँ लिख सकते हैं, ये देखिए 500 माइनस 100। क्लियर? अब देखिए एक्स एल, तो फिर यहाँ से देख सकते हैं ये छोटा वाला है फिर बड़ा वाला है। एक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10। ओके एक्स का मतलब 10 और एल का मतलब 50, तो 50 माइनस 10। क्लियर? फिर भी ये देखिए फिर बड़ा है। ओके उसके बाद देखिए छोटा है फिर छोटा है फिर छोटा है। ओके तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों 8 या फिर +5 +1 +1 +1। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 400। इसको माइनस करेंगे तो 40 और इसको 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। ओके अब देखिए ये तीनों टर्म्स को 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 448। ओके तो ये होगा आंसर। क्लियर दोस्तों? अब देखिए थर्ड एग्जांपल लेते हैं दोस्तों ओके ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए एम सी डी एल एक्स आई बी। अब देखिए इसको फाइंड आउट करना है, इसका न्यूमेरल वैल्यू को। तो देखिए एम का मतलब क्या होता है दोस्तों, एम का मतलब होता है 1000, सी का मतलब 100। ओके तो देखिए यहाँ पर जब भी डिक्रीज करते हुए चले तो 8 करना है। क्लियर? एम का मतलब 1000 और सी का वैल्यू 100। फिर देखिए दोस्तों 1000 तो यहाँ पर लिखनी है, बट यहाँ पर देखिए सी और डी है, सी और डी, और डी का मतलब क्या होता है, 500। ओके एक बार फ्योर कर लेते हैं, डी का मतलब 500। अब देखिए सी और डी है तो इसको क्या करना होगा दोस्तों, 500 माइनस 100। क्लियर?
इफ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 400 होगा, क्लियर। पी डी का वैल्यू 100। अब देखिए एल एल है तो यहाँ पे बड़ा वाला टर्म है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 50। फिर एक्स का वैल्यू कितना होता है 10 होता है। फिर देखिए छोटा वाला यहाँ पर आ गया आई और यहाँ पर बी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 4। अब इसको क्या करेंगे 8 कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 1400 प्लस 60 और 4 64, तो क्या आ जाएगा पूरा वैल्यू 1464, तो यह आ जाएगा आंसर दोस्तों। ओके अब देखिए इसको सोल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए इस तरह के फोर्थ वीडियो को, फोर्थ मतलब क्या दोस्तों 5 से 10 मिनट के बीच में एक प्रॉब्लम को, एक टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। ओके और पूरे फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे। ओके तो तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।